देखिएगा इसमें सबसे पहला गणतंत्र दिवस हम मनाते कब है? 26 जनवरी। कब मनाते हैं? 26 जनवरी। मनाए जाने का कारण क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पे खत्म हो जाएगा और भारत का संविधान है जो कि लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, इसी सम्मान में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। फिर भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश है, मतलब छुट्टी है। 3 राष्ट्रीय अवकाश, पहला हो गया गणतंत्र दिवस, दूसरा हो गया स्वतंत्र दिवस और तीसरा हो गया गांधी जयंती। वह झप्पल है यहाँ पे, वो संविधान वाला किताब लग गया इसलिए। तो ये है गांधी जयंती, 3 गो है राष्ट्रीय अवकाश। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 3 गो है जो कि ठीक है। फिर देखिएगा पहली बार कब मनाया गया था? 36 मनाई 30 होगा। पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे मनाया गया था, ठीक है। फिर संविधान दिवस कब मनाते हैं? है ना, 3 यहाँ पर 3 को दिवस हम लोग और याद करेंगे, एक संविधान दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये आपका कईवीं वर्षगांठ था, तो 75वीं था, कईवीं था? 75वीं था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे, कारण तो वही बोला, संविधान लागू हुआ था, इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू। और ये अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इसमें ये बातें कह रहा है कि अभी तक के भारतीय गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 बार आ चुके हैं, है ना, 1950 से लेकर के अभी तक के फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 बार बुलाया जा चुका है, ठीक है। ये इससे ज्यादा बढ़िया फोटो आएगा, लाइव में स्कैन ले लेगा, बढ़िया हो, मतलब स्क्रीनशॉट। हाँ है, पहली बार मनाया अब 36 लिख लिया जी, मिटा रहे तब नहीं मिट रहा, तो सुनता था हम क्या करें, 50 होगा पहली बार, यानी जब है देखिए आजाद नहीं हुआ था तब की बात कह रहे हैं, है ना। भारत ने पहली बार झंडा कब फहराया? 26 जनवरी 1900। झंडा पहली बार 50 में फहराया है, गणतंत्रता दिवस ना पहली बार मनाया है, झंडोत्तोलन तो पहली बार है जी की जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को किए हैं, चल ला लोअर फुटबॉल होने, ठीक है। तुम मिलना क्लास के बाद खोपचा में, ठीक है, ध्यान दिया जाए। अगला है कि ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि इस बार 2024 का थीम क्या है? तो 2 थीम है, पहला है विकसित भारत और दूसरा भारत की लोकतंत्र का मातृत्व, है ना, मातृका या मातृत्व है देखिए, ठीक है। तो भारत को क्या करना है? विकसित बनाना है, भारत को क्या करना है? और भारत जो है दुनिया के लोकतंत्र की जननी है, जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था तो अपने भारत के बज्जी वैशाली में लोकतंत्र था, ठीक है। दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहाँ है? अच्छा प्राचीन वाला तो जान गए लोकतंत्र वाला, और राजतंत्र कहेगा प्राचीन तो क्या होगा? जापान, बहुत बढ़िया, सबसे प्राचीन कहेगा तो जापान। अब यहाँ पे सुनिएगा, परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, तो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी है सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान, ये भारत के दूसरे सीडीएस हुए, पहले सीडीएस हुए बिपिन रावत, पहले हुए बिपिन रावत और दूसरे कौन हो गए? अनिल चौहान, ये इसमें भाग लिए थे। और गणतंत्र दिवस समारोह प्रारंभ है जो कि 26 जनवरी, है ना, सॉरी 23 जनवरी, पहले जो होता था ना गणतंत्र समारोह जो शुरू होता था 24 जनवरी से, इस बार मोदी जी ने फैसला लिया कि हम 23 जनवरी को शुरू कर देंगे, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और इस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस, तो इसी में हम इसको क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। आयोजन कहाँ होता है? तो इसको नाम पहले था राजपथ, पहले क्या नाम था?
अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ है, इसका पुराना नाम राजपथ है। और पहली बार है जो कि परेड का आपका जो हुआ था कब है ना, तो 55 से देखिए शुरू हुआ परेड करना। ध्वजारोहण कौन करते हैं गणतंत्र दिवस पे, तो दो होता स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री लाल किला से झंडोत्तोलन करते हैं, प्रधानमंत्री है ना झंडोत्तोलन करते हैं लाल किला से। 26 जनवरी को राष्ट्रपति करते हैं झंडोत्तोलन, ठीक है ध्यान रखना है। अगला गणतंत्रता लिया कहां से गया है, कहां से लिया गया है ना, पहला जब गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 में तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे है ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो। राष्ट्रगान बजाया जाता है दो बार, यानी गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं तो राष्ट्रगान दो बार है जो कि बजाया जाता है, एक प्रारंभ में और एक जब इंड करता है तब मनाया जाता है, ठीक है शुरुआत के समय में और एक अंतिम के समय में, क्लियर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिसेवा महिला परेड, त्रिसेवा मतलब हुआ नौसेना वायु सेना थल सेना है ना, तीनों सेना का नेतृत्व की है कैप्टन संधिया, यही है कैप्टन संधिया जो इस बार है जो कि ये लीड की है। और महिला सशक्ति का सबसे बड़ा एग्जांपल, इनके लिए एक सम्मान मार ताली मारिए आप लोग के लिए, ठीक है ध्यान दिया जाए। झंडा दिवस मनाते हैं 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 22 जुलाई को ही है जो कि एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा झंडा को। तिरंगा का डिजाइन कौन तैयार किया था, पिंगाली है ना, पिंगली बैकैया है ना, पा होगा जो लिखा गया पिंगली बैकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। संविधान के निर्माता कौन है, भीमराव, कौन है डॉक्टर भीमराव, इन्हें आधुनिक मन्नू कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है, लिटिल बुद्धा कहा जाता है, ठीक है। तिरंगे में चरखे के स्थान पर है ना, तिरंगे में चरखे के स्थान पर चक्र शामिल किया गया, ये 22 जुलाई 1947 को जिस दिन झंडा स्वीकार किया गया ना उस दिन है, जबकि उसके पहले क्या था, चरखा था, गांधी जी वाला चरखा, चरखा को हटा के लाया गया क्या चक्र, अब चक्र लाया गया, चक्र में कितनी तिल्ली होती है, 24 तिल्ली होती है। अब 24 तिल्ली जो प्रतीक है प्रगति का, क्या चीज का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, क्लियर है। अब झंडे का अनुपात, तो झंडे का अनुपात यह है लंबाई गुने चौड़ाई है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, पहले चौड़ाई दे देगा और तब लंबाई देगा, तो उसमें क्या है आपके दिमाग में बैठा रहता है यही वाला डाटा 3:2, और ऑप्शन ए में रहेगा 3:2, और उसमें मार दीजिएगा चल जाइएगा कहां बोरा में, फिर निकलिएगा नहीं, ठीक है। अगर है जैसे क्वेश्चन को ध्यान देना कि पहले चौड़ाई पूछ रहा है कि लंबाई, आप सभी से देखिए भाई साहब बार बार निवेदन करते हैं कि आपको कोई बड़का क्वेश्चन नहीं डुबाएगा, आपको फेल करेगा कोई बड़का क्वेश्चन नहीं, आपको फेल करेगा छोटका क्वेश्चन जिनको आप हावले में लिए हैं है ना। चलिए अगला है जी, कारण सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज को फहराने को मौलिक अधिकार घोषित किया किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19A के तहत या क के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने घर में, आप अपने जो कि ऑफिस में, आप अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं झंडोत्तोलन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है।